निवेश किया गया और रिकॉर्ड 30 माह में इस इकाई का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट का जीता जागता प्रमाण है। इस इकाई की शुरुआत होने से इस क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के साथ ही हरदोई एवं आसपास के जनपदों की आर्थिक विकास यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस अवसर पर हरदोई की सम्मानित जनता, माननीय जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक तरक्की के महामार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हितों की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां केवल एमओयू ही नहीं साइन होते, केवल शिलान्यास ही नहीं होते, बल्कि रिकॉर्ड समय में परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देती है। यह कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अलग अलग सेक्टर की आवश्यकताओं और उनकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक एनओसी समयबद्ध ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के कारण हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन भी है और खपत के लिए बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 1200 करोड़ में 1000 करोड़ हमारे यहाँ से ही है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। निवेशकों के बढ़ते भरोसे और विश्वास के कारण ही उत्तर प्रदेश नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नई पहचान मिल रही है उत्तर प्रदेश को। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज, डिफेंस कॉरिडोर, डेडिकेटेड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डाटा सेंटर, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश के सिग्नेचर बनकर के उभरे हैं। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देगा। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बर्जर पेंट को, पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक कदम पर हमारी सरकार एवं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा भरपूर सहयोग का आपको भरोसा दिलाता हूं। हम एक साथ मिलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को साकार करने में साथ साथ काम करेंगे। हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है, अतः मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, वर्चुअली जुड़े हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी रूप में की गई है। और एक नारी होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ आपको ये बताते हुए एक बार फिर से कि प्रोजेक्ट स्त्री शक्ति को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश में स्थापित वर्जर पेंट्स की लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री में कलरेंट और स्टेनर यूनिट सेक्शन की जिम्मेदारी 100% ट्रेन्ड महिला कार्यबल के हाथ में होगी। एम्पावरिंग वुमेन, पावरिंग ग्रोथ के इस उद्देश्य को वर्जर पेंट ने एक नई पहचान दी है। उसके लिए मैं वर्जर पेंट्स के परिवार के हर सदस्य को बधाई देना चाहूंगी। दोस्तों, अगर नियत सच्ची हो और मेहनत अच्छी हो तो आपका सफल होना तय है। पिछले 2 वर्ष मानवता के लिए काफी चुनौतियां लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग डटे रहे, मेहनत करते रहे और आज उसी दृढ़ मेहनत का फल हम सब हमारे मार्गदर्शक श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे अपने शुभ हाथों से वर्जर पेंट यूनिट सांडिला इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन कर उत्तर प्रदेश और वर्जर पेंट कंपनी के आने वाले चार और इस यूनिट की उन्नति के लिए अपना आशीर्वाद दें।
राज्य की शुरुआत हमारे पूरे मुझे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इसी के साथ इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगी उनसे जिनके नेतृत्व के लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, अपने प्रदेश के लोगों को सक्षम और योग्य बनाना और अपने प्रदेश को दुनिया के लिए एक प्रेरणा प्रदेश बनाना। एक ऐसे लीडर जो आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं और स्वयं इन मूल्यों पर प्रचार करते हैं, विचार करते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं। निवेदन करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर आशीर्वचन देकर हमें प्रताप करें। प्लीज सर। बर्चर पेंट्स इंडिया लिमिटेड संडिला हरदोई की इस नवीन इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, यूपी सीडा के सीओ श्री मयूर माहेश्वरी जी, प्रबंध निदेशक एवं सीओ बर्जर पेंट श्री अभिजीत राय जी, हरदोई में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलका अर्कवंशी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, बर्जर पेंट्स परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब हरदोई के संडिला औद्योगिक क्षेत्र में एक नए औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आज होने जा रहा है। होली की पूर्व संध्या पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का जमीनी धरातल पर उतरना, यह उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके लिए बर्जर पेंट्स परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, हरदोई की जनता को, वहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस इकाई में कार्यरत सभी जो कार्मिक हैं उनको होली के इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मेरे लिए ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब बर्जर पेंट ने अपनी इस नई इकाई के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, वह समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से उस महामारी को देखा है। उस महामारी के सामने दुनिया ने पूरी तरीके से
महामारी के सामने पस्त होती हुई मानवता को भी देखा है, लेकिन जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच से एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स किया नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वह समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में, यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, या उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 trillion की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे, उसके लिए अपना योगदान दें, यह पिछले कुछ समय से ये सभी नज़ारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर NCR का रीजन माना जाता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना अथॉरिटी और गाजियाबाद। 2017 के पहले हमारे सामने चुनौती थी, क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ। इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवां स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए
निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश में को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड सोच करने पड़े, अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सामने एक चुनौती थी। प्लान होता था, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? यह स्थिति 2017 के पहले तक थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया के सामने, देश के सामने एक नजीर है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं, बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए, तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का हो, एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश जीरो की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने चिंता थी एक समय कि आखिर लखनऊ के बाद हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। हम लोग जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 9 वर्ष के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर घोषित हुई, उसके बारे में देखते थे, सीतापुर में, हरदोई में लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे, ये चीजें दिखाती थी कि दिया तले अंधेरा का कोई एक उदाहरण है तो ये क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है, विद्युत की आपूर्ति में बिना भेदभाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और हर औद्योगिक इकाई को ओपन एक्सेस की सुविधा देने के बाद, तो आज उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो रिफॉर्म भी किए गए, उसके परिणाम निवेश के रूप में और रोजगार सृजन के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो या परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का रहा हो, प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो,
इस सभी त्वरित गति से जहां आगे बढ़े, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान, अगर हरदोई की ही मैं चर्चा करूं, तो हरदोई के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम वहां पर पिछले कुछ समय से हुए हैं, खासतौर पर संडीला में, जहां बर्जर पेंट्स का लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसके साक्षी वहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण और हरदोई जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी नागरिकगण हैं। वहीं पर कोविड कालखंड के दौरान बबले स्कॉट की यूनिट का वहां पर लगना, अन्य तमाम प्रकार के निवेश की संभावनाओं को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को अनेक अवसर वहां मिले, और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि बर्जर पेंट्स का इस 37 एकड़ क्षेत्रफल में बनी हुई ये नवीनतम तकनीक पर आधारित यह यूनिट, जिसमें प्रतिदिन 2000 टन और अगर इसको हम प्रति माह की बात करेंगे तो 33,000 टन प्रति माह यहां पर पेंट का उत्पादन करने का लक्ष्य बर्जर पेंट्स ने रखा है। इसमें मल्टी प्रोडक्ट का एक ही स्थान पर डेकोरेटिव पेंट्स, पुट्टी इत्यादि जो इनके उत्पाद हैं, इसका उत्पादन यहां पर होगा, और इसके माध्यम से 1200 कार्मिकों को वहां पर रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुझे देखकर के प्रसन्नता हुई कि वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को भी कार्य करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ये चीजें दिखती हैं कि अगर लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में अगर हम लोग औद्योगिक निवेश के वातावरण को बनाते हैं, तो न केवल स्किल मैन पावर को बल्कि अनस्किल मैन पावर को भी उन औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है, और वे आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक संबल बनने का काम करते हैं। बर्जर पेंट्स की इकाई उसका एक आदर्श उदाहरण संडीला के पास प्रस्तुत करने जा रही है, और मुझे लगता है कि हमारे जिन जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की, इस निवेश को वहां लाने के लिए भी अपना सकारात्मक योगदान दिया, वे स्वयं भी प्रफुल्लित हो रहे होंगे इस सभी कार्यक्रमों को देख करके कि जो प्रयास उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी वह आज वहां पर फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मुझे इस अवसर पर आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और हरदोई से की जनता जनार्दन से ये अपील करनी, यही अनुरोध करना है कि अगर हम निवेश के इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो वह विकास की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है, वह रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार की भी एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रस्तुत करता है। और यह अवसर होता है हमारे सामने जब हम अपने क्षेत्र की सामर्थ्य को, अपने यहाँ के ब्रेन को ड्रेन होने से बचा करके उसका बेहतर उपयोग अपने क्षेत्र के विकास में, वहाँ के डेवलपमेंट में उसका उपयोग कर सकते हैं। संडीला इसका एक नया उदाहरण बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले कुछ समय से हम लोगों ने संडीला में देखा है, खासतौर पर बर्जर पेंट्स के बाद वरुण बेवरेज की
पेप्सी की जो एक महत्वपूर्ण इकाई स्थापित होने जा रही है, आईटीसी, ग्रीन प्लाई, हल्दीराम, बबले स्कॉट, ऑस्टिन प्लाई, पीटी लाइट, ये तमाम इकाइयां हैं जिनको हम लोग ससमय भूमि उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं और जिन कार्यक्रमों को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश के लिए बने हुए इस औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के अपने एक मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं अपने सभी औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो भी आपके साथ हमारी सरकार के द्वारा किए गए